यहाँ पर आप लोग यहीं पर अभी जो बीजिंग प्लांट मशीन है उसको यहाँ पर सेट किया जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है अभी। यहाँ पर बन रहा है किचन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और मैं उस समय वाराणसी के राजा तालाब के गंजारी गांव में, जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का काम चल रहा है, जिसका शिलान्यास हुआ था 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और उस समय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और सुनील गावस्कर और भी सारे लोग थे। और इसके अलावा बीसीसीआई अध्यक्ष और सचिव रोजर बिन्नी और जय साह भी थे। और यह जो स्टेडियम है, इसका जो बजट है 450 करोड़ का है लगभग, और यह 31 एकड़ में बनाया जा रहा है। और यह आपका 2025 तक बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस स्टेडियम की जो क्षमता है 30,000 है, जिसे बढ़ाकर 60,000 किया जा सकता है। और इसमें जो फ्लड लाइट रहेगी वह त्रिशूल के आकार की रहेगी। और ये पूरे भगवान शिव को यह समर्पित स्टेडियम होगा, जो बन जाने के बाद काफ़ी भव्य और अच्छा लगेगा। और यह इसमें सभी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और काफ़ी अच्छा यह स्टेडियम बनने वाला था। चलिए चलते हैं और आप लोग को यहाँ का पूरा अपडेट देते हैं। और भाई, आप लोग ये हाईवे देख सकते हैं सामने। मैं इधर से गाजीपुर साइड से रिंग रोड पकड़ के, ये रिंग रोड है, मैं आया हूँ यहाँ पर। और लगभग 62 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। और ये रोड सीधे चला जाएगा प्रयागराज साइड में। और इसके बगल में जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है। चलिए मैं आप लोग को पूरा दिखाता हूँ। अब जो आप सामने देख रहे हैं, यह है अधिकारियों के रहने के लिए ऑफिस बनाया गया है। इस स्टेडियम को L&T बना रही है, लार्सन एंड टुब्रो, ये देख सकते हैं ऑफिस। और इस सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया वर्ल्ड क्वालिटी मंथ नवंबर 2023, कस्टमर डिलाइट थ्रॉज क्वालिटी एक्सीलेंस, फर्स्ट टाइम राइट एंड वन टाइम डिलीवर, L&T लार्सन एंड टुब्रो। और साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट गंजारी। और चलिए मैं आप लोग को इस साइड से दिखाता हूँ। और इस साइड में देख सकते हैं पूरा सरिया इस साइड में। और इधर में अभी इसको पूरा तरह से चारों तरफ से घेरा जाएगा, अभी एक भैया बता रहे थे। उसके बाद यहाँ पर अभी अपना लोग सेटिंग कर रहे हैं मशीन का, उसके बाद यहाँ पर काम शुरू होगा। अभी ये देखिए, इस पर मशीन रहेगी। यहाँ पर भैया काम लोग कर रहे थे तो हमने पूछा तो बताया उन्होंने। और इसमें लंच हो गया है इसलिए कोई दिख नहीं रहा है। और आगे वहाँ पर जो यहाँ पर काम करते हैं अधिकारियों के लिए, तो ये बनाया गया है। और उस साइड में जो लेबर हैं आप लोग सामने देख रहे हैं वहाँ पे, वहाँ उनके रहने के लिए बनाया गया। और ये है बेचिंग प्लांट, जिसमें कंक्रीट और बालू से मिला करके बनाया जाएगा। मैं आप लोग को पास से दिखाऊंगा, ये पूरा एरिया देख सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं घेरा गया है, यहीं पर बनेगा पिच क्रिकेट स्टेडियम। चलिए मैं आप लोग को पास से दिखाता हूँ। देखते हैं, देखिए पूरा तरह से घेरा गया है। मगर इसमें देखिए, इसमें भैंस भी लोग चरा रहे हैं और उस साइड में बकरी है। और जो ये स्टेडियम है आपका, कानपुर के ग्रीन पार्क, लखनऊ के इकाना और इटावा के सैफई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बाद यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा। और ये आप सामने देख सकते हैं बेचिंग प्लांट, और ये आप लोग देख सकते हैं पास से। अभी इसको सेट करना है, अभी पूरी तरह से काम को रफ्तार पकड़ने में 1-2 महीने लग सकता है, क्योंकि अभी लोग व्यवस्था बना रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इस पूरा सामान फैला हुआ है अभी। और इसको सेट करने के लिए यहाँ पर इस साइड में पिलर बनाया जा रहा है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, यहीं पर अभी जो बीजिंग प्लांट मशीन है उसको यहाँ पर सेट किया जाएगा। ये देख सकते हैं पिलर भी बनाया गया है यहाँ पे, काफ़ी हैवी पिलर बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मैंने जो भैया हैं उनसे बात किया तो उन्होंने बताया, ये देख सकते हैं। और ये सामने है मशीन, और इसके आगे यहाँ पर बन रहा है टंकी, पानी टंकी बन रही है। और यहाँ पर लोग दूर दूर से देख भी रहे हैं कि कितना काम हुआ है। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे,
अब सेट हो जाने के बाद पता चलेगा कैसे मशीन कार्य करती है। और यहाँ पर भी देखिए कुछ बनाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और मैंने लगभग आपको जो यहाँ पर कार्य हो रहा है मैंने पूरा अपडेट दिया। और उस साइड में उस सामने देख रहे हैं उधर बन रही है पानी टंकियाँ, जो लोग काम करेंगे यहाँ पर वर्कर लोग उनके लिए ये बनाया जा रहा है। ये देखिए बड़ा सा जनरेटर लगा है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप लोग ये भैया लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, लोग बिहार से आए हैं और कुछ लोग यहाँ पर झारखंड से भी आए हैं, बांका जिला है कोई वहाँ से लोग भैया आए हैं, ये देख सकते हैं पूरा। चलिए मैं आप लोग को अंदर से दिखाता हूँ, उनके रहने के लिए बनाया जा रहा है, ये अस्थाई है देख रहे हैं, लोहा का ज़्यादातर इसमें प्रयोग किया गया है। और बीच में देखिए नाली बनाई जा रही है। और भैया कैसे हैं? तो ये देख सकते हैं पूरा एरिया, और बगल में इसके बाथरूम और लैट्रिन रूम और किचन रूम बन रहा है। चलिए मैं उधर चलता हूँ। और इस साइड में देख रहे हैं ये भी रहने के लिए बनाया गया है, और ये बगल में यह है लैट्रिन। अभी मतलब अस्थाई व्यवस्था की जा रही है क्योंकि भाई जो यहाँ पर रहेगा उसको भी तो, ये है लैट्रिन जो जस्ट बगल में इस साइड में है। यहाँ पर देख सकते हैं बाथरूम बनाया जा रहा है, जो यहाँ पर वर्कर लोग हैं काम कर रहे हैं उनके लिए। और इस साइड में देखिए अभी कुछ बन रहा है क्योंकि अभी बहुत कम लोग आए हैं काम करने वाले, अभी आगे और संख्या बढ़ेगी तो कहाँ रहेंगे लोग, ठंडी का टाइम है इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें बनाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है किचन, भैया किचन रूम बन रहा है यहाँ पे। अच्छा वो किचन रूम है ना, और ये क्या बना है? ये सामने अच्छा ये वाटर टैंक है। और ये जो बगल में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी किचन रूम बनेगा, देख सकते हैं आप लोग, ये भी किचन रूम है। और इसके बगल में यहाँ पर अभी देखिए बन रहा है। तो भाई मैं आ गया वहाँ पे जहाँ पर पानी टंकी का निर्माण कार्य चल रहा था, और ये सामने देख सकते हैं क्रेन खड़ी है, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं पानी टंकी, इसमें 9 पिलर हैं और इसका काम अभी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि 4.5-5 लाख के आसपास इसकी पानी की जो क्षमता होगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी टंकी बनाई जा रही है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े भी हैं। ये था पूरा यहाँ का व्यू, और इसको एलएनटी बना रही है क्रिकेट स्टेडियम को। और मैं और उस सामने आप देख सकते हैं उस साइड में वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड रहेगा, और उधर ऑफिस है। और इस साइड में जहाँ वर्कर काम कर रहे हैं वो लोग हैं, उसी के कुछ दूरी पर इस साइड में ये रास्ता है, रास्ता से आएंगे तो यहीं पर आपका पानी टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है। और ये आप लोग सामने देख सकते हैं यहाँ पर पानी टंकी बन रहा है, और इसके जस्ट इधर बगल में देख रहे हैं चूने से मार्किंग की गई है, और इधर बाउंड्री वाल का काम चल रहा है क्योंकि यहाँ तक भूमि का अधिग्रहण किया गया है सरकार के द्वारा। और ये देख सकते हैं आगे यहाँ पर गड्ढा खोदा गया है, ये बाउंड्री वाल का काम किया जा रहा है यहाँ पर। और आगे आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर कुछ लोग जो खड़े हैं भैया वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। अभी उन लोगों से बात हुआ तो बता रहे थे कि जो इस साइड की ज़मीन देख रहे हैं आप इधर की, बोला गया है कि अगर कोई ख़रीदने आता है तो बेचा ना जाए क्योंकि भविष्य में हो सकता है स्टेडियम का दायरा और बढ़ाया जाए। और ये देख सकते हैं मैं आप लोग को जूम करता हूँ, थोड़ा देख लीजिए। और ये सामने जेसीबी भी खड़ी है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं और वो अंदर काम भी कर रहे हैं। छत खोद दिया गया है, उसके बाद इसको और बढ़िया से बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है अभी। और ये मशीन को आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम है बैटरी मोल्ड। यहाँ पर एक भैया थे उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया, इस पर देखिए एक पोस्टर भी लिखा गया, यूज़ द राइट टूल फॉर द राइट जॉब, इसको बोलते हैं बैटरी मोल्ड। और यहाँ पर देखिए काम चल रहा है अभी, यहीं से बन करके देखिए पूछे कि जो बताए गए भैया कि यहाँ बनेगा स्लीपर, यहाँ जो खड्डा खोदा जा रहा था वहाँ पर उस साइड में जेसीबी से वहाँ से यहीं बनकर जाकर पूरा बाउंड्री वाल का कार्य होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक और जानकारी दे देता हूँ, जो यह स्टेडियम बन रहा है यह पूर्वांचल का पहला स्टेडियम है,
तो हमारे प्रदेश के लिए और हमारे वाराणसी के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो ये स्टेडियम है, इसकी जो छत रहेगी, ऑडियंस गैलरी उसकी अर्धचंद्राकार रहेगी, और जो लाउंज की संरचना है वह डमरू की जैसा रहेगा। तो यह स्टेडियम बन जाने के बाद बहुत ही भव्य लगने वाला है और बहुत ही भव्य दिखने वाला है। तो इसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी किया जाएगा और यहाँ पर सभी सुविधाएँ भी रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में यहीं तक, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।